नमस्ते, अभी नवरात्रि चल रही है तो मैं व्रत के लिए माता रानी के प्रसाद के लिए नौ कन्याओं को भी ये खिला सकती हैं, तो उसके लिए मैं बनाऊंगी बिना चीनी का पेड़ा, बहुत ही टेस्टी और कुछ अलग तरीके से नए स्वाद में। आप बाज़ार का पेड़ा भूल जाएंगे खाना। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। मैंने 2 लीटर दूध लिया है, गैस चालू करके बड़ा बर्तन मैंने पैन चढ़ा दिया है। आप अल्मीनियम की कढ़ाई, लोखन की टोप, जो हो बर्तन बड़ा रहना चाहिए क्योंकि हमारे दूध में उबाल आता है, उबलते हुए दूध में ही हमें मावा बनाना है, तो इसे हमें गैस फास्ट ही रहे और चलाते हुए हम जब मावा बनाएंगे तो फटाफट मावा बन जाता है। आधा घंटा हमारा 25 मिनट बीत गया है, देखिए आधा दूध जल गया और अभी भी गैस हमारा फास्ट ही है, हम चलाते हुए ही मावा बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट मावा बन के मक्खन की तरह तैयार होता है। ये देखिए 40 मिनट बीत गए हैं, मावा हमारा तैयार होने को आया है। अब 10 मिनट की देरी है, ये देखिए सारा मावा बन के तैयार हो गया। 2 लीटर दूध में आधा किलो मावा हमारा बना है और मैं ली हूँ 250 ग्राम गुड़। गुड़ से पेड़े का स्वाद कुछ एकदम अलग हो जाता है और इसे हर कोई खा सकते हैं, डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं, डाइट वाले भी खा सकते हैं, जो मीठा नहीं पसंद करते, इसका स्वाद ही कुछ निराला है। आप इसे बनाइए, खाएंगे, फिर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि पेड़ा कैसा बना है। मैंने उसमें 10-12 इलायची का पाउडर डाला है और उसे अभी भी हमारा गैस फास्ट पे ही हमें बनाते रहना है, झटपट माव पेड़ा बनाना है और दूध जलाना है तो गैस के पास खड़े हो जाइए और फास्ट आंच पे ही चलाते हुए हमें मावा बनाइए, बहुत ही टेस्टी मक्खन जैसे मावा तैयार हो जाता है, जरा भी जलता भी नहीं है। ये देखिए एकदम गुड़ हमारा पिघल गया है, 2 मिनट लगता है गुड़ पिघलने में, अभी हमें 5 मिनट की इसमें देरी है। जब बुदबुदे देखिए आने लगे, अभी उफान जो है मावे का बंद हो गया, जब बुदबुदा आने लगे तब हम एक प्लेट पे थोड़ा सा डालेंगे और 2 मिनट बाद हम इसे हिलाएंगे। अगर ये फैल रहा है तो चाशनी नहीं पकी है गुड़ पेड़ा, अगर पिघल गया है, पक गया है तो नहीं फैलेगा। ये देखिए हाथ में मैंने गोलियां बना रही हूँ, तैयार हो गया है। 2 मिनट इसे चला करके अभी हम गैस को बंद करेंगे, 2 मिनट हमें और पकाना है, चलाते हुए ही हमें मावे को ठंडा करना है ताकि फटाफट ये ठंडा हो जाए, ज़रा भी गुठलियाँ इसमें ना रहे। और ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, आधा घंटा ठंडा होने में लगता है चलाते हुए, मैंने फैन के नीचे रखा था, थोड़ा थोड़ा गुनगुना रह जाए, फिर हम पेड़े को बनाएंगे नींबू जैसे लोइयाँ। पहले मैं सारे पेड़े की लोइयाँ बना, अभी थोड़ा ढीला है क्योंकि गुनगुना है, और ठंडा होने के बाद एकदम परफेक्ट पेड़ा कड़क तैयार हो जाएगा। इसी तरह से सारे लोइयाँ मैं बना लूँगी। कैसा लगा हमारी ये रेसिपी, आप भी इसे बनाइए, खाइए, अगर पसंद आया तो कमेंट करके हमें बताइए, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नवरात्रि में बनाइए, किसी भी व्रत में, त्यौहार में, ये बहुत ही हेल्दी पेड़ा, और एक बार इसे खाएंगे ना तो मथुरा के पेड़े का आपको याद आएगा। मैंने फोक ले लिया है, फोक से देखिए पहले एक तरफ से मैंने सारी लाइनें बनाई, फिर दूसरे तरफ से कितना सुंदर स्क्वायर जैसे डिज़ाइन बन गया है, ज़रा सा हमें पुश करना है अंगूठे से और फिर हम इसे फोक से डिज़ाइन बनाएंगे। आपको कुछ नया डिज़ाइन इस पर बना सकती हैं, फ़ोटो खींचिए अपनी रेसिपी का और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप शेयर कीजिए। ये देखिए मैंने 3 डिज़ाइन बनाया, इसी तरह से मैं सारे पेड़े को बना लूँगी, जब तक बनाऊँगी तब तक ये और ठंडा हो जाएगा। कितना सुंदर ये देखिए कलर आया है, पेड़ा तो देख के ही मुँह में पानी आ रहा है, लेकिन कल मैं माता रानी को चढ़ाऊँगी, फिर इसे प्रसाद में खाऊँगी, लड़कियों को खिलाऊंगी, तो मैंने इसे सब कर लिया प्रसाद के लिए। आप भी इसे बनाइए किसी भी त्यौहार पे, व्रत में, ना भी तो नवरात्रि चल रही है, बनाइए, खाइए, हेल्दी रहिए। कल फिर लौटूंगी किसी नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।